हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ वांगशियन फैन फिक्शन माय हॉट प्रोफेसर इज माय क्रश के पार्ट 6 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ दिन बाद विंग के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका था। विंग फिर से स्टडी में खुद को बिजी कर लेता है और ये भी विंग सिर्फ अपने लंचर को इम्प्रेस करने और उसे पाने के लिए कर रहा था, एग्ज़ाम की तैयारी में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इसलिए वांग जी विंग से ज़्यादा कॉन्टैक्ट भी नहीं करता था। आज विंग एग्ज़ाम के लास्ट डे था। विंग सुबह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। विंग एग्ज़ाम पेपर हाथ में लेकर मन ही मन सोचता है, फाइनली आज मैं लंजा से अच्छे से मिल पाऊँगा। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है, विंग जल्दी से पेपर सबमिट कर क्लासरूम से बाहर जाने लगता है। तभी पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और एक अंधेरे कमरे के अंदर उसे खींच लेता है। विंग चिल्लाने ही वाला था, लेकिन तभी कोई उसके माउथ अपने बीग हैंड से कवर कर लेता है, इसलिए विंग स्क्रीम भी नहीं कर पाता। विंग को अपने कान में एक डीप वॉयस सुनाई देता है, ए मैं हूँ विंग, डोंट स्क्रीम। विंग फाइनली एक लॉन्ग डीप ब्रीथ लेते हुए कहता है, लेंजा तो ये तुम हो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। लेंजान, तुम मुझे इस अंधेरे कमरे में क्यों लेकर आए हो? वांग जी गुस्से से बींग को क्लासरूम की दीवार पर पुश कर उसे वॉल पर पिन करके कहता है, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुमने उसे अपने हैंड टच क्यों करने दिया? बताओ उसने तुम्हें टच क्यों किया विंग? लेंजान के लाउड वॉइस से विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। विंग लो वॉइस में कहता है, लेंजान पहले तुम थोड़ा शांत हो जाओ। लेंजन वेनिंग मेरा दोस्त है। वांग जी विंग को अपने बॉडी से वॉल पर प्रेस करते हुए कहता है, सो व्हाट विंग, तुमने उसे अपने आप को टच कैसे करने दिया? क्या तुम भूल गए ये हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है? तुम्हें सिर्फ लेंजा टच कर सकता है और कोई नहीं। विंग कहता है, लेंजान तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। लेंजान मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये बस एक्सीडेंटली हो गया है। क्या तुमने ये नहीं देखा, मैं उसे अपना हाथ छुरा लिया था। अब छोड़ो मुझे, हम दोनों क्लास के अंदर है, छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है, सॉरी विंग मैं तुम्हें छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। विंग इधर उधर देखते हुए कहता है, लेंजा ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, विंग मुझे इरिटेट मत करो, क्या तुमने सुना नहीं, अभी तुम्हें छोड़ने के मूड में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई मिस यू सो मच विंग, ये कहकर वांग जी विंग के बॉडी सेंट इनहेल कर उसके कंधे पर अपने नोज रब करने लगता है। विंग कहता है, लेंजान शायद तुम भूल गए हो, अब हम दोनों क्लास में हैं। वांग जी कहता है, सो व्हाट? विंग कहता है, अगर हम दोनों को किसी ने इस तरह से देख लिया, क्या तुम जानते हो उसके बाद क्या होगा? वांग जी कहता है, कुछ नहीं होगा, तुम बस साइलेंट रहो और मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहता हूँ। ये कहकर वांग जी विंग के नज़दीक आकर उसके लिप्स अपने फिंगर से टच करता है। विंग वांग जी को अपने आप से दूर पुश करता है उससे दूर भागने के लिए। तभी पीछे से कोई कहता है, क्या हुआ वी वुशियान, कब तक रास्ता रोककर खड़े रहने का इरादा है तुम्हारा? हटो, तुम्हारी वजह से हम क्लास के अंदर फंस गए। लाउड वॉइस से विंग अपने ख्यालों से बाहर आता है। विंग आसपास देखकर मन ही मन सोचने लगता है, अब ये क्या था? लेंजा मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। विंग भागते हुए लेंजा से मिलने उसके ऑफिस रूम के बाहर आ जाता है। विंग लेंजा से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। विंग लेंजा को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए विंग केयरफुली और क्वाइटली ऑफिस रूम के डोर ओपन करता है। डोर ओपन होने के बाद विंग ने जो देखा, ये उसके लाइफ के सबसे हॉरिबल दृश्य था जिसका उसने कभी कल्पना भी नहीं किया था। विंग को अपने हार्ट चेस्ट में पेन फील होने लगता है। गुस्सा और जेलसी से विंग के आंखों से आंसू अपने आप गिर रहे थे। विंग अपनी ही आंखों से अपने लेंजा को किसी और लड़की को किस करते हुए देखता है। वांग जी विंग को नोटिस ही नहीं किया। विंग अभी बात करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था।
विंग गुस्से में ऑफिस रूम के अंदर एंटर करता है। विंग अंदर आकर चिल्लाते हुए कहता है, लंजा ये तुम क्या कर रहे हो। तभी वो लेडी पीछे टर्न होकर विंग को देखकर पोलाइटली वांग जी से कहती है, प्रोफेसर लन अब मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। वांग जी कहता है, ठीक है। लेडी जैसे ही कमरे से बाहर गई, वांग जी कहता है, विंग। इससे पहले वांग जी कुछ और कह पाता, विंग वांग जी को डेस्क पर पुश करता है और उसके करीब आकर अपने दोनों हाथ से वांग जी को कैच करके कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे धोखा दे सकते हो लंजा। वांग जी कॉन्फ्यूजिंगली विंग के चेहरे को घूर रहा था। वांग जी को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था, विंग किस बारे में बात कर रहा है और वो किस लिए इतनी गुस्से में है। विंग गुस्से में वांग जी के ऊपर चढ़ने लगता है। वांग जी भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। विंग कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड हूँ, तुम किसी और लड़की को किस कैसे कर सकते हो लंजा, जबकि मैं अभी तक तुम्हारे बॉयफ्रेंड हूँ। वांग जी विंग को काम डाउन करने की कोशिश करता है। वांग जी कहता है, विंग क्या हम शांति से बैठकर बात कर सकते हैं। विंग वांग जी को और कसकर पकड़ते हुए कहता है, लंजा क्या तुम अपने आप को कंट्रोल करने के लिए कैपेबल नहीं हो, मैं एग्ज़ाम में बिजी था और तुमने अपने लिए किसी और को ढूंढ भी लिया। वांग जी कहता है, विंग तुम मुझे गलत समझ रहे हो। विंग वांग जी को इससे आगे और कुछ कहने नहीं दिया। विंग अपने लिप्स वांग जी के लिप्स से एग्रेसिवली प्रेस करता है और उसे किस करने लगता है। विंग गुस्से में ए तक भूल गया था, वो अभी वांग जी के ऑफिस रूम में है। विंग वांग जी को किस करते हुए उसके कपड़े उतारने की कोशिश करने लगता है। वांग जी प्रोटेस्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था, वो बस विंग को अपने साथ ये सब करने दे रहा था। विंग किस करते हुए वांग जी के माउथ के अंदर अपनी टंग स्लाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। अब विंग वांग जी के पैंट के बेल्ट अनबकल करने जाता है, तब लंजन उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो लंजा और आज मैं ये साबित करके रहूँगा। ये कहकर विंग वांग जी के पैंट के बेल्ट अनबकल कर उसे लंजा के कमर से खींच लेता है। वांग जी कहता है, विंग क्या तुम श्योर हो तुम ये करना चाहते हो और इसके बाद तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं होगा। विंग कहता है, नहीं होगा। विंग वांग जी के चीज़ अपने हाथों से मुट्ठी कर उसे अपने माउथ के इनसाइड ले लेता है और रफली सक करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी के लिए अब खुद को कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। वांग जी खुद को मौन करने से रोक रहा था। ये देखकर विंग अपनी स्पीड और बढ़ा देता है, जिससे वांग जी आखिरकार मौन करते हुए विंग को उसके नाम से बुलाता है। वांग जी कहता है, विंग अगर तुम इसी स्पीड से ऐसा करते रहे तो मुझे डर है मैं अपने कंट्रोल खो दूंगा, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। विंग वांग जी के बात नहीं मानता। विंग के हार्डली अपने टांग के मदद से प्लेजर देने के कारण वांग जी अपने इम्पॉर्टेंट थिंग विंग के माउथ के अंदर ही रिलीज कर देता है। विंग का माउथ वांग जी के इम्पॉर्टेंट थिंग से पूरी तरह से कवर हो चुका था और थोड़ा उसके लिप्स के कॉर्नर से भी गिर रहा था। विंग वांग जी के तरफ देखने लगता है। वांग जी टेबल के ऊपर से टिश्यू बॉक्स ले लेता है। उसे लगा विंग इसे थूक देगा, लेकिन विंग इसे वांग जी के सामने ही निकाल लेता है। वांग जी विंग को ऐसा करते हुए देख सरप्राइज्ड हो गया था। विंग कहता है, कोई बात नहीं अगली बार तुम मेरा खा लेना। वांग जी कहता है, शेमलेस। विंग कहता है, लंजा आई लव यू टू डेथ। लंजा आई रियली लव यू। लंजा क्या हम ये हमेशा नहीं कर सकते। ये कहकर विंग फिर से वांग जी के नज़दीक जाने लगता है। तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों के बीच में पोजीशन को बदल देता है। वांग जी एकदम से विंग को अपने गोद में उठा लेता है और उसके आंखों में देखते हुए कहता है, अब शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। वो लेडी आज ही कॉलेज ज्वाइन किया है, मैं उन्हें जानता तक नहीं, मैं बस उनकी मदद कर रहा था। हम दोनों ने किस नहीं किया, अचानक मेरी आँख में कुछ चला गया था तो वो हेल्प के लिए पूछ रही थी। बाहर से देखने में तुम्हें ऐसा लग रहा होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है,
जो तुम सोच रहे हो, हम बस कॉलिग है। आप जाकर विंग को थोड़ा राहत महसूस होता है। विंग अपने दोनों लेग से वांग जी के कमर को जकड़ लेता है और इनोसेंटली कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो लंजा? विंग लो वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी लंजा, वो मुझे लगा तुमने उसे किस किया। विंग गुस्से में वांग जी के नेक पर जो बाइट किया था, जिसे वांग जी के नेक पर रेड निशान बन चुका है। वांग जी कहता है, इट्स ओके, तुम सॉरी मत बोलो। क्या अब तुम बेटर फील कर रहे हो? विंग हाँ में अपना सिर हिलाता है। वांग जी उसे नीचे रखकर कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। विंग कहता है, तुम इस तरह बाहर जाने वाले हो? वांग जी कहता है, हाँ क्यों, क्या हुआ? विंग उन रेड निशान पर फिंगर से टच करते हुए कहता है, यह निशान बन चुका पहले है, पहले इसे काबर तो कर लो फिर चलते हैं। वांग जी कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, जिसे जो सोचना है सोचने दो, तुम बस ओइडिंग पर फोकस करो। विंग एक्साइटेडली कहता है, ओइडिंग? वांग जी कहता है, हाँ 2 दिन बाद हमारी शादी है, कल मैं और तुम ओइडिंग प्लानर से मिलने के लिए जाएंगे, ठीक है? विंग एक्साइटेड होकर वांग जी के ऊपर जंप कर देता है। लकीली वांग जी उसे कैच कर लेता है। विंग कहता है, लैन जान मुझे लगता है अब तुम्हें यह जॉब छोड़ देना चाहिए। वांग जी कहता है, क्यों? विंग कहता है, तुम इतने हैंडसम हो, अगर किसी ने तुम्हें मुझसे चुरा लिया तो? वांग जी कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, तो तुम ये सोचना बंद करो। अब फाइनली वो घड़ी आ गया था जिसका विंग को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। वांग जी और विंग एक दूसरे के सामने खड़ा था और एक दूसरे की आंखों में भी देख रहा था और इंतज़ार कर रहा था कब वेडिंग रिचुअल्स कंप्लीट होंगे और फादर कहेंगे, अब आप दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड बन चुके हो, अब अपने हस्बैंड को आप किस कर सकते हो। जैसे ही वेडिंग वाउस कंप्लीट हुआ और फादर ने कहा कि आप दोनों एक दूसरे को किस कर सकते हो, ये सुनते ही विंग एक सेकेंड भी समय नहीं लिया और तुरंत वांग जी को किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग के एक्शन से शादी में आए हुए सभी गेस्ट बहुत ज़्यादा शॉक्ड में दिखाई दे रहे थे, सिवाय वांग जी के। वांग जी को इससे कोई सदमा नहीं लगा, क्योंकि उसे पता है उसके बेबी के लिए खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और ये भी सच है। विंग हमेशा इसका शुरुआत करता है, लेकिन एंड हमेशा लंजा करता है, जो उस पर भारी पड़ जाता है। फिर भी उसे लंजा को टीस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वांग जी को विंग के ऐसे बिहेवियर की आदत हो चुका था, आफ्टर ऑल उसने क्लास के सबसे नॉटी स्टूडेंट से प्यार किया है। अब वांग जी विंग को सेम इंटेंसिटी और पैशन के साथ किस बैक करता है। वेडिंग रिचुअल्स खत्म होने के बाद वांग जी और विंग एल्डर्स के आशीर्वाद लेने के लिए जाता है। उसके बाद दोनों सबके साथ डिनर करता है। वांग जी सबसे विदा लेकर विंग को अपने साथ मैरिज हॉल से बाहर लेकर आता है। दोनों कार में बैठे थे। वांग जी विंग को अपने साथ उनके न्यू हाउस लेकर आता है। बेडरूम में एंटर करने के बाद वांग जी विंग के नज़दीक चलना स्टार्ट कर देता है। वांग जी को करीब आते देख विंग घबरा कर अपने कदम पीछे लेना स्टार्ट कर देता है। वांग जी विंग को अपने कदम पीछे लेते हुए देखकर स्मार्क करता है। वांग जी अपने इंटेंस वॉइस में विंग से कहता है, विंग अब तुम अपना स्टेप पीछे क्यों ले रहे हो? तुम्हें वेडिंग हॉल में सबके सामने मुझे किस किया, और ये पहली बार नहीं है, राइट? तो अब तुम शर्मा क्यों रहे हो? डोंट बी शाई बेबी, जस्ट कम टू रेडी, मुझे आप और इंतज़ार मत करवाओ। ये कहकर वांग जी विंग को पुल करता है और उसे वॉल पर पिन कर देता है। वांग जी को सुनने के बाद विंग अपने दोनों हाथ वांग जी के आर्म्स में टाइटली जकड़ लेता है और सिडक्टिवली कहता है, लंजा मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत ओबीडेंट हूँ। विंग के वर्ड सुनकर वांग जी अपने कंट्रोल पूरी तरह से खो देता है और विंग को एग्रेसिवली किस करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी विंग को इस तरह से किस कर रहा था जैसे इसका कोई कल ही ना हो। विंग भी वांग जी को किस बैक कर रहा था। वांग जी विंग के लोअर लिप्स पर बाइट कर लेता है, जिस वजह से विंग लाउडली मौन करता है, और इसी का फ़ायदा उठाकर वांग जी अपना टांग विंग के माउथ के अंदर पुश कर उसके माउथ की एवरी सिंगल वेट कॉर्नर अच्छे से एक्सप्लोर कर इसे टेस्ट करने लगता है। वांग जी विंग को बेड पर लेकर आता है
और खुद उसके ऊपर आकर विंग के नज़दीक झुककर डीपली विंग के आंखों में घूरते हुए कहता है, आई लव यू विंग। विंग कहता है, आई लव यू टू लंजा। ये सुनते ही वांग जी विंग के लिप्स पर एक और हॉट और पैशनेट किस करता है। विंग ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था, इसलिए वांग जी किस ब्रेक कर विंग के स्वेलन और रेड लिप्स अपने थंब से टच कर सहलाते हुए कहता है, विंग स्प्रेड योर लेग्स। विंग गहरी गहरी सांस लेते हुए वांग जी के बैक पर हाथ फिराने लगता है। विंग कहता है, अभी नहीं लंजा। एक कहकर विंग वांग जी के टोन चेस्ट पर किस करता है और वांग जी के नेक और हाथ पर भी किस करते हुए कहता है, लंजा तुम सिर्फ मेरे हो। लंजा क्या तुम अपने जॉब मेरे लिए नहीं छोड़ सकते? वांग जी कहता है, विंग तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। विंग कहता है, नहीं लंजा मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। वांग जी फिर से विंग को किस कर विंग को साइलेंट करा देता है। कुछ देर बाद बेडरूम से सिर्फ विंग के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ ही गूंज रहा था। नेक्स्ट डे वांग जी का जब नींद खुलता है, वांग जी बेड के दूसरे साइड अपने हस्बैंड को देखकर स्माइल करता है और विंग के हेयर्स पर अपना हाथ फिराने लगता है। वांग जी देखता है विंग के होल बॉडी रेड हो गया था, उसके बॉडी लाभ मार्क से पूरी तरह से कवर हो चुका है। विंग स्लोली आंखें खोलकर वांग जी की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहता है, मॉर्निंग लंजा। वांग जी कहता है, मॉर्निंग चलो अब उठ जाओ, मैं हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ। विंग कहता है, नहीं तुम यहाँ थोड़ी देर और मेरे पास रुको। वांग जी विंग को अपने बाहों में होल्ड कर उसके नेक पर किस करके कहता है, लास्ट नाइट तुम बहुत लाउड थे वी, इससे मैं और ज़्यादा क्रेजी हो रहा था। विंग कहता है, मैं लाउड तुम्हारे वजह से हुआ था लंजा, तुम बहुत ज़्यादा रफ थे, मैं अभी भी अपने बॉडी में दर्द महसूस कर पा रहा हूँ। लंजन कहता है, आई एम सॉरी विंग। विंग क्यूट पाउट बना लेता है और सॉफ्ट टोन में कहता है, आई लव यू लंजा। और इसी के साथ ए फैन फिक्शन की दी एंड हो जाती है। ओके गाइज, तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।